बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास अब्दुल, आप देख रहे हैं करिशन यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों को पता है कि इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से, हम फौरन आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। इससे पहले जो बच्चे इस चैनल के ऊपर न्यू हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए एजुकेशन के हवाले से आपको बर वक्त मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सारे बच्चों को खैरियत से रखे और अल्लाह ताला सारे बच्चों को कामयाब करे। और बच्चे जो हैं ये बार बार बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें प्रमोट करे, क्योंकि पूरा साल जो है तलीमी इदारे बंद रहे हैं, लिहाजा हमारी तैयारी नहीं है तो हमें जो है प्रमोट किया जाए। और दूसरे नंबर पे कुछ बच्चे वो भी हैं जो कहते हैं कि जी एग्ज़ाम को मज़ीद जो है वो डिले किया जाए। तो मैं आपको बच्चों क्लियर बात बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जितने बहुत ज़्यादा, जिस तरह आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ़ रूमर्स फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ चल रही हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी बात जो है वो क्लियर कर दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कह दूं कि जो बच्चे, जिस तरह बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम प्रमोट होना चाहते हैं, जो बच्चे प्रमोट होना चाहते हैं अल्लाह ताला सारे बच्चों की दुआएं कबूल करे। और जो बच्चे एग्ज़ाम देना चाहते हैं अपनी राय का जहार नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और अब मैं आपके साथ जो खबर शेयर करने लगा हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जो वजारत तलीम की तरफ से जारी की गई है, अब वजारत तलीम की तरफ से जो अभी अभी ट्वीट किया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। हमने जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी अहम चीज़ जो है ये भी देखनी है कि बोर्ड्स की तरफ से अपडेट किया है और मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अपडेट किया है। तो सबसे पहले जो है स्क्रीन के ऊपर जो है साथ साथ आप ट्वीट देख सकते हैं, IBCC का भी ट्वीट देख सकते हैं, और जो मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया है वो भी आप देख सकते हैं कि ट्वीट के अंदर जो है बाकायदा तौर पे जो है क्लियर बात कर दी गई है। वो कहा गया है कि तुलबा को जो है एक बार फिर आगाह किया जाता है कि 9th क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक, 9th, 10th, 11वीं और 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं इनके इम्तहान मुल्क भर के बोर्ड्स के ऐलान करदा जो औकात हैं, जिस तरह बोर्ड ने आपको ऑलरेडी जो शेड्यूल दिए हुए हैं, मिनिस्ट्री ने जो बाकायदा ट्वीट किया है 9th, 10th, 11वीं और 12वीं के हवाले से कि मुल्क भर में जो इम्तहान हो रहे हैं इनके जो है बोर्ड ने जो ऑलरेडी शेड्यूल जारी किया हुआ है उसके मुताबिक ही एग्ज़ाम होंगे। इम्तहान मुलतवी करने के हवाले से या प्रमोशन के हवाले से तुलबा को जो है उन्होंने कहा है कि आपको मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और जाली किस्से कहानियों और अफवाहों पर कोई यकीन ना करें। जिस तरह बहुत ज़्यादा रूमर्स फैली हुई हैं, फेक स्टोरीज चल रही हैं एग्ज़ाम को लेकर, तो मिनिस्ट्री ने जो है ये बात क्लियर की है कि बच्चे अपनी तैयारी जारी रखें, किसी बच्चे को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सारे बच्चों के एग्ज़ाम होंगे। और जो है मिनिस्ट्री ने यह भी बात क्लियर की है कि किसी भी अफवाह के ऊपर जो है आप यकीन ना करें, जो बोर्ड ने ऑलरेडी शेड्यूल जारी किया हुआ है उसी के मुताबिक आपके एग्ज़ाम होंगे। ये रियल न्यूज़ अभी आई है, बेशक आप ट्विटर अकाउंट खोल कर चेक कर लें, बाकी जैसे जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगी इंशाल्लाह वजह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।